Hi everyone, greetings from Globe India. This is Dr. Jigar Shimhali, consultant nephrologist and transplant physician from Renus Kidney Hospital, Ahmedabad and Nadia. हमने जो conductivity के blog में discussion किया था, उसमें एक aspect था और वो था concentration ratio. ये concentration ratio है between A part, B part and RO water. ऊपर से B part में अलग-अलग option होते हैं. उसमें dry powder form भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म भी आते हैं, और अगेन ए पार्ट में भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं. तो जब अलग अलग रेशियो चेंज होते हैं तो मशीन में वो रेशियो के मुताबिक जो प्रपोजनिंग है वो कैसे चेंज हुआ वो हमें देखना है. से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पहले ड्राई कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर रहे हैं और अब हम लिक्विड कॉन्सेंट्रेट यूज़ करने वाले हैं, तो क्या सीधा ही वो यूज़ करना शुरू करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो हमें मशीन में क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम समझते हैं, क्योंकि अगर ये हम मशीन में चेंज नहीं करेंगे तो देन प्रपोर्शन वुडन बी इन द फॉर्मेट दैट इज रिक्वायर्ड. तो वो हम कैसे करेंगे ना वो देख लेते हैं. तो आज हम क्या करेंगे, फ्रेजिनियस और निप्रो जो दो कॉमन मशीन है कि जिसमें ये अलग अलग फॉर्मेट में ड्राई कॉन्सेंट्रेट और लिक्विड कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल है, हम दोनों के एक एग्जाम्पल रिव्यू कर लेते हैं. तो जो हम पहला मशीन देख रहे हैं ये फ्रेजिनियस का 4008 मॉडल है, कि जिसके अंदर अगर हम रिव्यू देखना शुरू करें तो सबसे पहले अभी मशीन अभी बंद है. इस मशीन को सबसे पहले डायलिसिस मोड के बदले कैलिब्रेशन मोड में शुरू करना है. कैलिब्रेशन मोड में शुरू करने के लिए जो स्विच देखे है उसको हमें अप करना है. जैसे हमने स्विच अप कर दी और अब हम जब मशीन को स्टार्ट करेंगे तो मशीन डायलिसिस मोड के बदले कैलिब्रेशन मोड के अंदर स्टार्ट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मशीन को कैलिब्रेशन मोड में स्टार्ट करें, क्योंकि तब और तभी हमें जो सेटअप करना है वो इसके अंदर अवेलेबल हो पाएगा. सो जैसे ही मशीन इसके अंदर कैलिब्रेशन मोड में स्टार्ट हो जाएगा, हमें ये कुछ डेटा दिखेंगे. ये कैलिब्रेशन के डेटा है जिसके अंदर जो बेसिक डेटा स्टेबल होना है वो हो जाएगा. एक बार वो हो जाए उसके बाद हमें डाउन एरो दबाना है. इस डाउन एरो के साथ हम सेटअप मोड में पहुँचेंगे, उसको हम कन्फर्म करेंगे, वापस डाउन एरो दबाएंगे, फिर हम सेटअप डाइल्यूशन में देख पहुँचेंगे और उसको कंफर्म करेंगे. जैसे हम सेटअप में कंफर्म करेंगे, ये जो रेशियो दिख रहा है 1:34, ये अभी ऑलरेडी है और ये पाउडर फॉर्म जो फ्रेजिनेस का पाउडर फॉर्म आता है उसको बीबैक कहते हैं, ये उसके लिए है, ये दिख रहा है. फिर हम ये माइनस की दबाएंगे, उससे हम फर्दर चेंज कर पाएंगे, जिसमें हमें ये जो ऑप्शन दिख रहा है कि NaCl 20 1+35.83 NaCl 20 वो दिखेगा. हमें वो जो म्यूट की है उससे कन्फर्म करके आगे सेट करना है और फिर हमें वापस कैलिब्रेशन मोड में आ जाना है. ये उसके स्टेप्स हैं. हम जब एक बार वापस कैलिब्रेशन मोड में आ जाएंगे तो हमें ये करना है कि मशीन को बंद करना है आगे से और फिर कैलिब्रेशन मोड से डायलिसिस मोड में वापस आ जाना है, जो पीछे की स्विच है उसको चेंज करके. उसके बाद वापस मशीन को स्टार्ट करना है. तो अब क्या होगा, ये जो मशीन है ये डायलिसिस मोड में स्टार्ट होगा. जब मशीन डायलिसिस मोड में रूटीनली स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वो टेस्ट पास के अंदर एंटर होता है. अभी हमने क्या किया कि जो कैन वाले पार्ट के लिए अभी हमने सेटिंग किया है, ओके. तो पाउडर फॉर्म से कैन फॉर्म, कि जो लिक्विड कॉन्सेंट्रेट होता है कि जिसके अंदर बाइका पाउडर को कैन में डाल के यूज़ किया जाता है, वो करा है. सो जब हमें कैन फॉर्म में डालना है ना, तो ये जो पार्ट है, जो मशीन पार्ट का है कि जिससे बाइकअप सक होगा, उसको हमें कैन के अंदर डालना पड़ेगा. अगर हमने उल्टा चेंज किया, जिसके बदले बाइकअप पाउडर के बदले बीबैग यूज़ करना शुरू किया है, तो हमें यहाँ पे बीबैग कनेक्ट कर देनी है. और अगर हमने जो वो फॉर्मेट देखा वो वापस चेंज ओवर करके उसके अंदर उसको यूज़ करके टेस्ट पास करने का जो ऑप्शन है वो स्टार्ट करना है. इस तरह से अगर हम एक बार टेस्ट पास करके आगे बढ़ जाएंगे तो वो तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट के साथ ये मशीन वर्क करना शुरू कर देगा. अब हम दूसरे मशीन के बारे में बात करते हैं. अब ये जो दूसरा मशीन दिख रहा है ये निप्रो का मशीन है. ये इस निप्रो के मशीन में जो इनका ड्राई फॉर्म आता है इसको बाइकार्ड कहते हैं. इस बाइकार्ड के जो अपर और लोअर दोनों जो पिन है उसको निकालने के बाद मशीन के लेटरल पार्ट में इस बाइकार्ड को फिट किया जाता है. इसमें फ्रेजिनियस से उल्टा है कि पहले से प्रॉपरली इसको फिट नहीं करोगे तो ऊपरली सॉल्यूशन का प्रॉपर चेंज ओवर नहीं आएगा. अब इसमें डायल सेट मोड के अंदर जाने के बाद
पासपोर्ट को एंटर करने के बाद हमें इसके जो टाइप है BC1, BC2, BC3, BC4, उसमें हमारे कॉन्सनट्रेट के मुताबिक वेदर वो ड्राई कॉन्सनट्रेट है या वो लिक्विड कॉन्सनट्रेट है उसमें चेंज करना है। कौन सा कॉन्सनट्रेशन कितना रेशियो दिखाता है वो हम इस तरह से सेटिंग में जाके देख सकते हैं। ये उसके स्टेप्स है, जैसे BC1, ये BC2, ये BC3, ये BC4, उसमें ये अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रेशियो दिख रहा है कि किस तरह का रेशियो है। उस रेशियो के मुताबिक जो कैन पे जनरली लिखा हुआ ही आता है और जो कॉन्सनट्रेट है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, हमें उसके मुताबिक आगे बढ़ना होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हमें समझनी है और वो ये है कि जब एक बार हम कॉन्सनट्रेट सेट कर ले तो अगर हम लिक्विड कॉन्सनट्रेट ही दोनों यूज़ कर रहे हैं तो ये जो कॉन्सनट्रेशन का ऑप्शन होगा उसमें एक सिंगल कंडक्टिविटी दिखेगी। अगर हम बाइकार्ब का कॉन्सनट्रेशन बाइकार्ब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी भी दिखती है। ये दोनों तरह की कंडक्टिविटी की मेजरमेंट दिखाता है। थैंक यू।